नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लखीमपुर खीरी के विधानसभा गोला में हो रहे उपचुनाव में 11 बजे तक 56% मतदान हो चुका है। वहीं मतदान को लेकर लोग काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। मतदान में युवा, महिला से लेकर बुजुर्ग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी ने भी वोट दिया है। आपको बता दें कि जिसके बाद मीडिया से बात करते विनय तिवारी ने कहा कि सपा पूर्ण बहुमत से उपचुनाव जीत रही है। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पर हर मतदान केंद्र पर पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, पर्याप्त फोर्स लगा हुआ है, पर्याप्त संख्या में सेक्टर जोन मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, मोबिलिटी बढ़ाई गई है, फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। कहीं अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की झड़प हिंसा की कोई शिकायत है। ऐसा माहौल बनाया गया कि हर मतदाता जहां चाहे बिना किसी भय संकोच के अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है। वही मतदाता से अपील है कि अपने घर से आएँ, निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। कोई चुनौती नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग सदैव चुनौतियों का सामना करने के लिए हर समय तैयार हैं। क्या लग रहा है आपकी पार्टी का अब तक कोई बड़ा चेहरा नहीं आया सामने प्रचार प्रसार में? कौन बड़ा चेहरा नहीं आया? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ रहे, इसके अलावा कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सभी लोग यहाँ रहे और उन्होंने अपनी कंपेनिंग की। जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से काम किया गया। दिखावा कम, काम ज़्यादा। हरदोई में पुलिस महानिरीक्षक रेंज लखनऊ की सर्विलेंस और हरदोई पुलिस की संयुक्त टीम ने ही अंत जर्नी पर दिए गोश्की गिरोह के 14 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस टीम ने इनके पास से एक स्कॉर्पियो कार और 3 मोटरसाइकिल और इसके साथ ही एक DZM और 16 गोवंश, 3 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस, 3 चाकू, मोबाइल और फोन, इसके साथ ही आपको बता दें कि नकदी भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मलवाला, कासिमपुर और बघौली में हुई गोवंशी की घटनाओं का खुलासा कर दिया है। टीम ने शातिर गो तस्करों के एक गिरोह को बघौली थाना क्षेत्र और दूसरे को कछोना थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग गोवंश को कंटेनर में लोड कर बिहार और अन्य राज्यों में बिक्री के लिए ले जाते थे। ये अभी हाल में जनपद में थाना बघौली और कछोना में कुछ गोगोशी की घटनाएं सामने आई थी और जिसपे मेरे द्वारा पुलिस टीमों को लगाया गया था। साथ ही साथ अभी विगत 2 दिवसों में 30/31 की रात और 1 तारीख की रात को कुछ यहाँ थाना मल्लावा और थाना कासिमपुर क्षेत्र में कुछ कंटेनर, 2 कंटेनर भी पलट गए थे जिसमें कुछ गोवंश की मृत्यु हो गई थी। तो जिससे यह लगा कि जो है जनपद में गोकशों और गो तस्करों की जो है मूवमेंट तेज़ हो रही है। तो इसके लिए जो पहले से हमारा चल रहा है ऑपरेशन चक्रव्यूह, उसमें उसको और सुदृढ़ करते हुए और IG रेंज मैम की सर्विलेंस टीम है उसको सम्मिलित करते हुए हम लोग के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर हम लोग को कुछ अपराधी मिले जो कि गोकशी की तैयारी में थे। उन्हीं की सूचना पर 7 अन्य लोग मिले जो कि जो ये गो तस्करी करते हैं और जिस तरह की गाड़ी फिर उधर मलावा में पलट गई थी उस तरह के गैंग का खुलासा हुआ है। ये कुल 14 लोग पकड़े गए हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में मामूली विवाद को लेकर नकली लाइसेंसी राइफल निकल गए हैं और आपको बता दें जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना रोरावर क्षेत्र के ही नवमान कॉलोनी बालाजी गार्डन का है। वीडियो कई दिन पुराना बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि शराब पीने को लेकर पड़ोसियों में विवाद हुआ था। सहारनपुर के जनकपुरी क्षेत्र देहरादून रोड पर एक कार डिवाइडर में टकरा गई है और जिससे कार सवार एक युवक की मौत बताई जा रही है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परकच्छे भी उड़ गए हैं। मौत की खबर सुनते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया। साथ ही परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए भी मना कर दिया है।
यूपी के फतेहपुर में दो पक्ष के बीच मारपीट एक अधेड़ गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसको लेकर अस्पताल से कानपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं इसको लेकर डीएसपी थरियांस दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया है कि मोहम्मदपुर गांव में ही दो पक्ष में मारपीट हुई थी और जिसमें खुश नूर अहमद गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल में कानपुर रेफर किया गया था और रास्ते में ही मौत होने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 1/11/22 को थाना थरियांव के ग्राम मोहम्मदपुर कला में मारपीट की घटना में खुश नूर अहमद को चोट आ गई थी, जिन्हें इलाज से जिला अस्पताल भेजा गया था। वहां से गंभीर स्थिति होने के कारण कानपुर हेलेट अस्पताल में रेफर किया गया था। रास्ते में जाते समय इनकी मृत्यु हो गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर निष्णात्मक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में गौ तस्करी रोक पाने में विफल रहने पर एसपी हरदोई ने ही मल्लावाला के प्रभारी निरीक्षक और गौसंज के चौकी थाना इंचार्ज को लेकर ही गो सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एसपी की इस कार्यवाही से पुलिस महकमे में ही हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। आपको बताते चले कि हरदोई में ही ढलल्ले से गोवंश की तस्करी की जा रही है। इसका खुलासा पिछले दो दिनों में ही गोवंश से भरे कंटेनर पलटने के बाद हुआ है। दरअसल 31 सितंबर को ही मल्लावा थाना क्षेत्र में गोवंशों को लादकर भाग रहा कंटेनर ट्रक होकर ही रोड के किनारे पलट गया और इसमें 14 से गोवंशों की मौत बताई जा रही थी। और इसके अगले दिन ही कहली के पास भी कंटेनर पलटने से 7 गोवंशों की मौत हो गई। और आपको बता दें कि मामले को एसपी ने गंभीरता से लिया है। जांच में लापरवाही मिलने पर एसपी राजेश द्विवेदी ने मल्लावाला प्रभारी निरीक्षक डीपी सिंह और गोकंस चौकी प्रभारी नीरज कुमार को सस्पेंड भी कर दिया है। अब ये बेसिकली दो दिनों में दो घटनाएं हुई, जिसमें कि थाना मल्लावा में एक गाड़ी पलटी थी और दूसरा मल्लावा से होकर के ही ये गौसगंज चौकी के आगे दूसरी गाड़ी पलटी थी। तो इसमें डेफिनेटली, चूँकि जैसे मैंने कहा, गो तस्करों का मूवमेंट तेज था और इसमें प्रतीत होता है कि पूरी तरह से चेकिंग नहीं की गई थी, इसके लिए ये कार्रवाई की गई है। किन किन लोगों पर कार्रवाई? इंस्पेक्टर मल्लावा और चौकी इंचार्ज गौसगंज की, वो सस्पेंड किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग और क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय बरेली के संयुक्त तत्वाधान में ही संकल्प योजना के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान सीबी गुंज बरेली के ही परिसर में एक दिवसीय वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन किया गया और मेले का शुभारंभ डॉक्टर उमेश गौतम महापौर बरेली ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया है। आपको बता दें जिसके बाद से ही संस्थान के ही परीक्षणार्थियों ने सरस्वती वंदना का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। रोजगार मेले में ही एके राणा, संयुक्त निर्देशक बरेली मंडल बरेली, और इसके साथ ही त्रिभुवन सिंह, सहायक निर्देशक सेवा योजन बरेली मंडल, राम प्रकाश नोडल प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान सीबी गंज बरेली सहित अन्य प्रतिनिधि भी वहाँ पर मौजूद रहे। मऊ के थाना कोतवाली के ही अंतर्गत रहने वाले ठेकेदार को माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के एक बदमाश ने ही दिन दहाड़े शगोली मार दी है। आपको बता दें कि जिसके बाद बाजार में हड़कंप मच गया है। घायल युवक को उपचार के बाद बनारस बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया है। और घायल अजय दुबे ने बताया है कि आरोपी पंकज सिंह मनबड़ किस्म का लड़का है और ये मुख्तार अंसारी गैंग से ताल्लुक रखता है। वो एक साल पहले भी इसके मोहल्ले में आकर इसके ऊपर गोली चला चुका है। और वहीं क्षेत्र अधिकारी नगर धनंजय मिश्र का कहना है कि पंकज सिंह ने ही अजय दुबे को गोली मारी है, जो उसके जांग से जाते हुए ही आर पार हो गई है और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज दिया गया है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां उर्दू बाजार में मौजूद जमलापुर के ही फतेह शाह बाबा का 34वां सालाना उर्स बड़े ही
हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु और महिलाएं और बच्चे बुजुर्ग दूर दूर से आकर अपनी मनोकामना के लिए यहां पर दुआ मांगते हैं। आपको बता दें कि इस साल ही झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश लोग आते हैं और हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कव्वाल भी अपनी कव्वाली का कलाकारी दिखाते हैं और जिसको लेकर ही लोग रात्रि तक कव्वाली भी यहाँ पर सुनते हैं। शाह रहमतुल्ला अलैह का मजार शरीफ है नवाब साहब के पोखरे पर, हर साल मनाया जाता है, 34वां साल है और ये बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और अल्लाह के करम से फैज पाते हैं, जाते हैं। थोड़ा इनके बारे में बताइए कि ये कौन थे जो आप? फतेह शाह रहमतुल्ला अलैह ये बोगदा शरीफ से आए हुए हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्ला अलैह के यहाँ से इल्म हासिल करके आपको इजाज़त मिला कि आप जाइए इंडिया, यहाँ आके अरमान अपना फरमा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए कि लोग महिलाएं भी मन्नत मानने आती हैं, हिंदू लोग समाज से भी आते हैं, मुस्लिम समाज से भी लोग आते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? बस आते हैं लोग, अपना फैज पाते हैं, मुराद मिलती है, अल्लाह से दुआ करते हैं, फैज पाते हैं। श्रावस्ती के सीता द्वार के पास ई रिक्शा कंबाइन मशीन से टकरा गया, जिसमें 3 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, वहीं 2 महिलाओं को बहराइच रेफर कर दिया गया है। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं और दबंगों ने मामूली बात को लेकर ही पीड़ित के परिजनों के साथ मारपीट की है। दबंग पीड़ित के दरवाजे के पास साथियों के साथ ही लाइसेंसी बंदूक लेकर पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आरोप है कि इसकी शिकायत लेकर जब पीड़ित थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसे घंटों थाने में ही बिठाए रखा और बताया जा रहा है कि विवाद पीड़ित के घर के पास खड़ी बाइक को लेकर शुरू हुआ था। तो आपको बता दें, अमेठी से खबर है जहां पर मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद बताया जा रहा है, वहां पे दबंगों के हौसले जो है लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। मामूली बात को लेकर दोनों में मारपीट हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से झड़प होती 2 गुटों में नजर आ रही है। यहाँ पर महिला भी एक मौजूद नजर आई है। आपको बता दें कि मामूली सी बात को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ है। मथुरा के होटल वृंदावन गार्डन में ही भीषण आग लग गई है और जिसमें 2 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया और वहीं आग की घटना से लोगों में हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि होटल को भागवत कथा और इसके साथ ही बुक किया गया था और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मथुरा के ही SSP अभिषेक यादव ने होटल का जायजा लिया है। हाथरस के बरेली मथुरा मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 1 की घायल होने की खबर भी सामने आई है। आपको बताते चले कि हादसा ट्रक और वेन्यू कार की हुई आमने सामने भिड़ंत के कारण हुआ है। कार सवार 4 लोग बरेली से खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे थे। हादसे की खबर से ही DM और इसके साथ ही SP सहित पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुँच गए हैं और वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। ये मॉर्निंग में लगभग 6 बजे की घटना है। बरेली से कुछ लोग राजस्थान जा रहे थे, उसमें 3 गाड़ियां थी, उसमें से 1 गाड़ी का वहां मौके पर एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और 1 इंजर्ड हैं, ज़्यादा चोट नहीं लगी, हॉस्पिटल में भर्ती है। 3 लोगों को यहाँ अभी पोस्टमार्टम में कार्यवाही किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बिल्कुल नॉर्मल है, पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई, साथ में कप्तान साहब भी, कोई समस्या नहीं। सर कोई पहचान हुई? सर तीनों की शिनाख्त हो चुकी है, उनके साथ 1 इंजर्ड, उन्होंने बता दिया डिटेल। तुमने कुछ मतलब चले चाहिए नहीं, दर्शन करने जा रहे थे, ऐसी कुछ जानकारी आई सामने? अब वो डिटेल बाद में पता चलेगा, और राजस्थान जा रहे थे अभी और बरेली जा रहे थे। पिछले निकाय चुनाव में योगी के प्रचार करने के बाद भी फरुखाबाद की नगर पालिका सीट पर ही BJP प्रत्याशी मिथिलेश अग्रवाल को बसपा प्रत्याशी वत्सला अग्रवाल ने ही
कई हजार मत प्राप्त कर करारी शिकत दी थी और इसी के लिए वो बार बीजेपी ने ही राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को ही फरुखाबाद निकाय चुनाव प्रभारी बनाया और चुनाव प्रभारी बनाने के बाद मंत्री जी लगातार जनपद का भ्रमण कर रहे हैं और आज एक हफ्ते में दूसरी बार फरुखाबाद पहुंचकर मंत्री ने शहर में कई वरिष्ठ लोगों के घरों पर जाकर मुलाकात की और देर शाम फतेहगढ़ में ही आरआरपी कॉलेज में सिद्धार्थ मिश्रा के यहाँ पहुंची और यहाँ पर दर्जनों लोग मंत्री के इंतजार में उनके स्वागत में खड़े थे। फूल मालाएं पहनाकर मंत्री का स्वागत किया गया और चुनाव की तैयारियों को लेकर जब मंत्री से पूछा गया तो बताया कि वोटर लिस्ट में जो संशोधन चल रहा है उसी को देखा जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में निकाय चुनाव पर क्या असर पड़ेगा तो कहा सभी लोग अपने अपने मिशन में लगे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं होने वाला, मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अभी निकाय चुनाव को लेकर हम सभी लोग वोटर लिस्ट का संशोधन जो चल रहा है जी वही देखा जा रहा है कि जिन लोगों का वोट बढ़वाना हो बढ़ जाए, 7 तारीख तक तो जो भी जिसको नहीं बढ़ा उसका बढ़ जाए, सभी लोग इसी काम में लगे हुए हैं। शाहजहांपुर में तीन मादक पदार्थ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि तस्कर झारखंड और बदायूं के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वहीं फाइन क्वालिटी की अफीम को लेकर ही झारखंड से पंजाब जा रहे थे और पुलिस ने तीनों के मादक पदार्थ सहित कटरा चौराहे से गिरफ्तार किया है और तस्कर 6 किलो मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे जा रहे थे और जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपये बताई जा रही। तो आपको बता दें शाहजहांपुर से खबर है जहां पर पुलिस का शिकंजा तस्करों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तीन नशे के तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। 6 किलो पदार्थ नशीले बरामद किए गए हैं ऐसी जानकारी सामने आई है और इसके साथ ही तीन नशे तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के क्रम में थाना कटरा को कल एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 झारखंड के और 1 जनपद बदायूं का रहने वाला है। इनके कब्जे से कुल मिलाकर 6 किलो अफीम बरामद हुई है जो झारखंड से लाई गई और ये अभी जो जानकारी मिली उसके अनुसार पंजाब ले जाई जा रही थी। इन बरामद जो अफीम है इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये है। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और इससे प्राप्त जानकारियों पर आगे कार्रवाई चल रही है। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कटरा में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के पीलीभीत जनपद में बीते दिनों चोरी के आरोप में ही जेल भेजे गए अभियुक्त की इलाज के दौरान ही लखनऊ के केजीएमसी में मौत हो गई है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने पकड़कर 10 दिन तक थाना बरखेड़ा में पुलिस ने मारपीट कर टॉर्चर किया और बाद में थाना उमरिया पुलिस ने चोरी के मामले में जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि जेल में तबीयत खराब होने पर ही लखनऊ इलाज के लिए भेजा जहाँ उसकी मौत हुई है। बरखेड़ा थाने में ही बंदी गृह में बंद कम्यूम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल अधिकारियों के द्वारा कय्यूम नाम के एक कैदी को 31 तारीख को जिला अस्पताल में तबीयत बिगड़ने की वजह से भर्ती कराया गया है। वहां डॉक्टर्स के द्वारा क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से रीनल फेलियर एवं हेपेटाइटिस रूप में उसका डायग्नोसिस किया गया है। तबीयत में सुधार ना होने के कारण उनको बरेली रेफ़र किया गया है, वहाँ पे भी सुधार नहीं हुआ तो बेहतर इलाज है तो केजीएमसी रेफ़र किया गया है। कल इनको केजीएमसी में भर्ती कराया गया है और आईसीयू में भी भर्ती कराया गया है। आज दोपहर में इनको मृत्यु डिक्लेयर कर दिया गया है डॉक्टर्स के द्वारा। उनके डायग्नोसिस में भी क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से रीनल फेलियर एवं हेपेटाइटिस आया है। पीएम है तो बॉडी मॉर्चरी वहाँ लखनऊ भेजा गया है। जेल अधिकारियों के द्वारा पीएम की कार्रवाई की जा रही है और बाकी जो परिवार वालों को कुछ लोग भ्रमित करके कुछ लोकल पॉलिटिशियंस जो है इसको अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं
इसमें सारे जितने भी मेडिकल आया है कैदी के एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी इंजरी नहीं है, उसके डायग्नोसिस में क्लियरली जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म और रीनल फेलियर लिखा गया है, बाकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं हमारे शौहर को बलखेड़ा थाने की पुलिस ले गई, उठा के ले जाने के बाद जरौंदिया चौकी पर ले जा के रखा, वहाँ मारपीट बिकट की, तीन चार पुलिस वालों ने उठा उठा कर अपने बराबर से नीचे मारा जमीन पर, लड़के को भी बहुत मारा था मारपीट के। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर उनके ऊपर पेट्रोल छिड़का कि आग लगा देंगे, आग लगा देने के बाद फिर आग नहीं लगाई तो कई लड़के को आग लगाने चले तो लड़के बोले उसके ऊपर मत लगाओ, मुझे मार लो जितना मारो, तो उन्हें काफ़ी मारा, उन्हें मार के तबीयत गंभीर हो गई, उन्हें चोरी के इल्ज़ाम में उन्हें जेल भेजा। जेल भेजने से पहले यहाँ अमरिया थाना भेजा, अमरिया थाने भेज कर फिर जेल में पता लगी कि चालान कर दिया। हम लोग मिलाई में जब पहुँचते हैं तो कई अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल जब हम गए बहुत गंभीर हालत थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।